नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत आप लोगों का हमारे चैनल टेक्निकल जीनियस में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर दोस्तों आप अपने फोन पे का ट्रांजैक्शन लिमिट आप इंक्रीज करना चाहते हो, आपने दोस्तों थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा, आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप फोन पे का वॉलेट लिमिट और UPI लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वो भी खुद से 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे भी नहीं रहेंगे, उससे पहले ही आप इसको लिमिट इंक्रीज कर लोगे। लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देखो, यूट्यूब पर मैंने सर्च मारा है फोन पे ट्रांजैक्शन लिमिट कैसे इंक्रीज करें। यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर बता रहे हैं कि फोन पे का ट्रांजैक्शन लिमिट ऐसे इंक्रीज होगा, लेकिन दोस्तों ये सभी लोग बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं। आप ट्राई करके आप देख लेना, आपका लिमिट इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपको सच में लिमिट इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे फोन पे वॉलेट वाले ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे, कई लोग कहते हैं सेट ऑटो टॉपअप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो फोन पे वॉलेट का लिमिट आप इंक्रीज कर पाओगे, लेकिन दोस्तों बिल्कुल गलत जानकारी वो आप लोगों को देते हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो आप टॉपअप कर सकते हो, साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि आप यहाँ से जो है टॉपअप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप लिमिट को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ से अगर लिमिट इंक्रीज नहीं कर पाओगे तो कैसे लिमिट इंक्रीज करोगे। देखो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, देखो फोन पे का जो वॉलेट होता है दोस्तों उसका लिमिट ऑलरेडी पहले से वो इंक्रीज रहता है। आप दोस्तों कभी भी जो है ट्राई करके आप देख लेना। और बाकी दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप UPI का लिमिट कैसे इंक्रीज करोगे। देखो UPI का लिमिट इंक्रीज करने के लिए कई लोग कहते हैं कि आपको क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर फिर आपको यहाँ पे पेमेंट इशू वाले ऑप्शन माना है, पेमेंट इशू आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके साथ पेमेंट प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, यहाँ पर आपको ये यस कर देना है। तो यहाँ पे करने के बाद क्या होगा, आपका फोन पे का लिमिट जो है UPI लिमिट वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे लिमिट इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पर देखो थैंक यू फॉर योर फीडबैक, ये सिर्फ और सिर्फ आप फीडबैक दे रहे हो, यहाँ से लिमिट आपका इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपको लिमिट इंक्रीज करना है तो आपको तो क्या करना है, बैक आना है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो आपको बैक आना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ये चेक करना है, आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये चेक करना है कि आपके फ़ोन पे के अंदर जो है कौन सा आपका इसके अंदर अकाउंट जो है लिंक है, ये आपको सबसे पहले इसके अंदर चेक करना है। आपको दोस्तों पेमेंट मेथड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक अकाउंट वाला, इसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप चेक कर लोगे कि आपके फ़ोन पे के अंदर कौन सा अकाउंट जो है लिंक है। यहाँ पर देखो मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक इसके अंदर लिंक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो सारा डिटेल है पेटीएम पेमेंट बैंक का वो मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों अगर आपको UPI लिमिट इंक्रीज करना है तो देखो आपका UPI लिमिट कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आपने जो भी बैंक अकाउंट इसके अंदर लिंक किया होगा, जैसे कि मैंने पेटीएम किया है, आप हो सकता है कोटक का, पंजाब का, जो भी आप अकाउंट इसके अंदर लिंक करोगे, कभी भी लिमिट जो दोस्तों ख़त्म होता है वो उस बैंक का लिमिट जो है बैंक अकाउंट का लिमिट ख़त्म होता है, जो कि वो 24 घंटे के बाद रिन्यू हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका फिर भी लिमिट ख़त्म हो गया और आपको इमरजेंसी में पेमेंट करना है, आप 24 घंटे तो वेट करोगे नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको दोस्तों जो इसके अंदर अकाउंट जो ऐड है पेटीएम पेमेंट बैंक, जो भी आपका अकाउंट ऐड है, उसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा बैंक अकाउंट है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई सा भी बैंक इसके अंदर ऐड करके आप पेमेंट इजीली कर पाओगे। लेकिन मान लो एक ही बैंक आपके पास, जैसे कि मेरा पेटीएम का, तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आपको आना है अनलिंक बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दोबारा से इसको जो है लिंक कर देना है। अनलिंक बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको अनलिंक कर देता हूँ, अनलिंक कर दिया मैंने। उसके बाद ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं पेटीएम दोबारा सेलेक्ट करूंगा और दोबारा से मैं इसको इसके अंदर ऐड कर लूंगा। और दोबारा दोस्तों ऐड करने के बाद आप पेमेंट करके देखना, आपका 100% दोस्तों आपका पेमेंट जाएगा, 100% आपका सक्सेसफुल पेमेंट होगा। ठीक है, तो लिमिट इंक्रीज करने का कोई तरीका नहीं है। लिमिट इंक्रीज ऐसी होता है, अगर आपका लिमिट खत्म हो जाता है तो दूसरा बैंक अकाउंट इसके अंदर आप ऐड कर लो। और जैसा मैंने आपको बताया कि वॉलेट का लिमिट इंक्रीज कैसे होगा, तो YouTube पर जितने भी वीडियो बने हुए हैं इसके ऊपर बिल्कुल गलत जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, बिल्कुल गुमराह आप लोगों को कर रहे हैं। बाकी अगर आपको वो वीडियो आपको देखना है, ट्राई करना है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो देखो दोस्तों यही जानकारी मुझे आप लोगों को देना था, बिल्कुल सही जानकारी। और दोस्तों आपकी हमारी वीडियो कैसे लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।